पलंग बनता। नाइशु, आपको अपनी दादी का काम, अपनी बड़ी दादी का काम कैसा लगा? अच्छा। प्लांट्स उगाना आपको अच्छा लगता है? यस। आप दादी से क्या क्या सीखो अब तक, क्या सीखिए? प्लांट्स इन दिस एंड वाटर दिस इन अ सेल्फी। सो नित्या, हमारी प्यारी सी नित्या बहुत कुछ सीखी है हमारी नानी से। तो अब देखते हैं कि तनवीर का क्या मानना है। तनवीर, तो मतलब नानी का काम देख के आपको क्या लगा? प्लांट्स उगाना मतलब क्या सीखे हो आप अब तक? नानी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे पौधों को अच्छा मिलता है और नानी से कुछ सब्जियां मिला लेके आती हैं। जैसे कभी कभार हम सब्जियों बाहर से लेके आते हैं तो नानी एक सेकंड, फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई उसके ऊपर पेस्टराइज करते हैं, कुछ लोग वैसे करते हैं तो हम खा नहीं पाते, उससे हमें बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। तो नानी यहाँ पे ऐसा कुछ करती नहीं है और ना ही वो करती है, तो हमें यहाँ पे अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। वाओ, थैंक यू तन्वी, थैंक यू नित्या। सो गाइस, अब मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अपनी नानी का, नानी के काम का। अब हम एक होटल में आए, जैसे हम एक सो होटल में सो ये लोग खेल रहे हैं। और मैं अपनी राय देना चाहती हूँ कि मुझे अपनी नानी का काम कैसा लगा। तो मींस मैं मानती हूँ कि अगर आप प्लांट उगा रहे हो तो वो एक प्लांट उगाना नहीं है, आप एक किसी चीज, किसी लिविंग बींग को एक लाइफ दे रहे हो। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन टू। सो या इट्स वेरी गुड, सो आई जस्ट लाइक हर।